हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, जैसे कि बोरोन जो है, इट कैन फॉर्म द बोरेक्स, इट कैन फॉर्म द ऑर्थोबोरिक एसिड, इट कैन फॉर्म द डायबोरिन। तो हम वन बाय वन कमिंग लेक्चर्स में इन सबको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द बोरेक्स, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज फॉर्म बाय द बोरोन। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद फॉर्मूला Na2B4O7 and it has water of crystallization, that is the 10 moles of water of crystallization. In fact, it contains the tetranuclear units, jisse iska jab aap formula likhenge, this will be B4O5OH42-. Aur jo correct formula hoga, wo iska is tarike se hoga. Iska matlab yahan pe 8 molecules of water of crystallization present hai. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बोरेक्स जो है वो डिसॉल्व करता है वाटर में एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कलाइन सॉल्यूशन, दैट इज Na2B4O7 रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव NaOH एंड द ऑर्थोबोरिक एसिड दैट इज द H3BO3। अब अगर आप इस बोरेक्स को हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या हो, जो बोरेक्स है वो सबसे पहले जो इसके पास वाटर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको लूज करेगा एंड इट विल गेट स्वेल अप। एंड अगर आप फर्दर इसकी हीटिंग की जाएगी देन इट टर्न्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड दैट सॉलिडिफाइज इनटू अ ग्लास लाइक मटेरियल दैट इज नोन एज द बोरेक्स बीट। तो ये आपका टेस्ट के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपका Na2B4O7 है विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Upon heating, first sodium metaborate is formed and this upon further heating, it gives the NaBO2, that is the borate, and यहाँ पे आपका boric anhydride जो है वो form होगा। So the metaborates of any transition metals, they have characteristic color. अगर किसी transition metal के metaborates होते हैं तो उनका खुद का एक color होता है। तो वहां पे हम इस बोरेक्स बीट टेस्ट को यूज करते हैं कि किस टाइप का मेटल जो है वहां पे प्रेजेंट है। जैसे व्हेन बोरेक्स इज हीटेड इन अ बंसन प्लेन फर्मर फ्लेम बर्नर फ्लेम विद द कोबाल्ट ऑक्साइड ऑन अ लूप ऑफ प्लैटिनम वायर, मतलब आपने प्लैटिनम की वायर ली, इसके ऊपर यहाँ पे आपने कोबाल्ट का ऑक्साइड और साथ में बोरेक्स जो है रखा और इसको फिर हीट किया। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका ब्लू कलर का कोबाल्ट का बोरेट जो है वो, उसकी बीट जो है यहाँ पे फॉर्म होगी। तो ये ब्लू कलर जो आएगा ये आपको ये बताएगा कि आपका जो ऑक्साइड प्रेजेंट है, जो आपका मेटल प्रेजेंट है, दैट इज द कोबाल्ट। तो इस तरीके से इस टेस्ट का यूज करके हम ट्रांजिशन मेटल का पता लगा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बोरेक्स। थैंक यू।